हेलो एवरीवन, मैं हूं कुणाल और आप देख रहे हो टेकी के आर। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे गेमिंग थंबनेल बनाया जाता है। बेसिकली हमें गेमिंग थंबनेल बनाने के लिए दो एप्लीकेशन को यूज़ करना आना चाहिए। नंबर फर्स्ट पे आता है फोटोशॉप, जो कि एक पीसी और लैपटॉप के लिए होता है, और उसी का एक छोटा सा वर्जन है, क्यूट सा वर्जन है, जिसका नाम है पीएस टच, जिसे हम एंड्रॉयड में यूज़ कर सकते हैं। इसे यूज करना जब आप एक बिगनर होते हो तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे इसे यूज़ किया जाता है। सेकेंड नंबर पे आता है पिक्सल लैब। इसका ऑलरेडी बहुत सारा ट्यूटोरियल चैनल पर लिस्टेड है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ से सबसे पहले हमने ओपन किया है एडोब फोटोशॉप टच, क्योंकि पहला काम इसी का है, और इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीएस टच। ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल है नहीं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके सिंपली जहाँ पे स्टॉक लिंक दिया हूँ वहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे फोटो लाइब्रेरी में आपको आना है। जब न्यू प्रोजेक्ट हम क्रिएट करते हैं उसके बाद जो भी थंबनेल के लिए बैकग्राउंड यूज करना है वो आपको सिंपली ऐड कर लेना है। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। अब जो थंबनेल का साइज रहता है वो आपका वेथ रहता है 1280 एंड हाइट रहता है 720। आप चलेंगे सिंपली फिल्टर में, और यहाँ से हमें आना है लाइटिंग में, और उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे कैरेक्टर पे फोकस करना है, एंड जितना भी साइड साइड से आपको दिख रहा है बैकग्राउंड में वो सभी को आपको ब्लैक कर देना है, ठीक है। और इसका इंटेंसिटी 98 पे रखना है। उसके बाद आता है स्पेक कलरिटी, सो इसको आपको रखना है 13। ये एकदम सही जा रहा है, अभी मैंने इधर उधर करके सेट करके देखा तो ये सही जा रहा है। बम 22 रख सकते हैं। उसके बाद बात आती है कलर की, तो इंटेंसिटी के साथ थोड़ा सा देखते हैं कि कुछ कंप्रोमाइज़ कर लें। सो कलर के साथ कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, ये आपका वाइट कलर ही रहेगा। देन अब हम चलेंगे एडजस्टमेंट में, एंड यहाँ से ब्लैक एंड वाइट कर देंगे इसे। अब हम सिंपली कर्व में आके एंड उसको जैसे ही नीचे खींचेंगे तो हमारा जो बैकग्राउंड है वो डार्क मूड में हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से, और जो कैरेक्टर है वो आपको दिख रहा होगा, कैरेक्टर भी दिखता रहेगा। एंड वैसे अगर पूरा में लाइटिंग नहीं देते तो शायद कैरेक्टर नहीं दिखता, तो पूरा ब्लैक तो करना नहीं था, तो इतना प्रोसेस करना है। एंड फिर से आपको लाइटिंग वाले ऑप्शन में जाके जो वाइट कलर था वो आपको रेड करना है, जो भी कलर रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। सो हम यहाँ पे थोड़ा सा हल्का रेड रख रहा हूँ। अब आपको फिल्टर में आके स्क्रैचेस वाला जो आपको फिल्टर मिलता है उसे आपको अप्लाई कर देना है। इसका एंगल रहेगा आप रख सकते हैं अराउंड 102, तो जैसा कि अभी आपको देखने को मिल रहा है एक ब्लैक ब्लैक जो जहाँ पे हमारा कैरेक्टर है। उसके बाद हम एक फिर से फोटो लाइब्रेरी में जाके एक पार्टिकल को ऐड करते हैं, एंड इसे ब्लेंडिंग मोड में जाएंगे। तो चलिए हम आते हैं ब्लेंडिंग मोड में, एंड इसे हम कर देते हैं स्क्रीन। सो यहाँ पे पार्टिकल ऐड हो चुका है। अगेन हम एक और पार्टिकल ऐड करते हैं जो कि ये रहेगा वाइट, तो इसका जो पार्टिकल का डॉट डॉट जो है वो आपको ब्लैक हो जाएगा, तो इसे हम जैसे ही डार्कन मूड में करते हैं तो ये ब्लैक हो जाएगा। इसका ऑपेसिटी हम थोड़ा सा कम करेंगे, डिक्रीज, ओके। एंड इस तरह के वीडियो में क्या होता है ना, वॉइस ओवर करना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, एंड उसी तरह से हम इसे ऐड करेंगे। जैसे ही ब्लैक, अगर आपका जिसमें जिस पार्टिकल में ब्लैक बैकग्राउंड है, ठीक है, तो उसमें आपको यूज करना है स्क्रीन का, एंड वाइट रहे तो डार्कन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने ये कंप्लीट कर दिया, इसमें भी आपको यूज करना था स्क्रीन वाला। अब हमें कर्व के साथ थोड़ा सा छेड़छाड़ करना है, क्योंकि ये जो रेड है ना इसको थोड़ा सा हमें हाईलाइट करना है। तो देख सकते हैं रेड कलर हमारा थोड़ा सा हाईलाइट हो चुका था, एंड इसको कम करके ज़्यादा करके आपको बस दिखाने के लिए ऊपर नीचे कर रहे हैं, बस मेरा काम हो चुका है, हाईलाइट जो देना था दे दिया। एंड देख सकते हैं यहाँ से रेड कलर के साथ भी आप छेड़खानी कर सकते हैं, उसके बाद ग्रीन कलर, तो यहाँ से कलर बैलेंस कर सकते हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी कलर इसमें मतलब रहता है, जैसे कि मान लीजिए अभी तो इसमें रेड है, अगर कोई अनदर कलर रहता तो वो हट जाता, जैसे मैंने अभी यूज़ किया है ब्लू कलर रहता ख़त्म हो जाता। अब उसके बाद कैरेक्टर को ऐड करना है, सो सिंपली हमने यहाँ पे कैरेक्टर ऐड कर लिया। अभी से हम सेलेक्ट करके इन्वर्स करके इसका जो
स्ट्रोक है वो हम रेड कलर कर देंगे। तो देख सकते हैं ये रेड कलर में स्ट्रोक कर मतलब इसमें फिल करना बहुत ही ईजी है। सो ये हो चुका है जैसा कि अभी देख सकते हैं कंप्लीट। अब इसमें हम थोड़ा सा सो गाइज अगर आप चाहते हैं स्ट्रोक में कुछ फिल्टर ऐड करना, इसमें कुछ इफेक्ट लगाना जैसे कि फायर का इफेक्ट होता है, तो आप इजी है आप इतना एरिया सेलेक्ट कर लीजिए जितना पे आपको लगाना है। जैसे स्ट्रोक में लगाना है तो स्ट्रोक वाली एरिया को आप सेलेक्ट करके इन्वर्स करके सिंपली आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं जो भी फिल्टर अप्लाई करना है। यहाँ से एक बार आपको फिल्टर में जाना है एंड एक बार फिर से आपको स्क्रैच वाला जो इफेक्ट था वो आपको दे देना है। तो जैसा कि अभी देख सकते हैं स्क्रैच वाला यहाँ से मैंने इफ़ेक्ट ऐड कर दिया। अभी देखो ये काम हो चुका है इस पर। और ध्यान रहे जो आपका कैरेक्टर है उसमें अप्लाई नहीं होना चाहिए, सिर्फ बैकग्राउंड में यूज होगा, ठीक है। अब जैसा कि देख सकते हैं ये हो चुका है कम्प्लीटली डन। अब यहाँ पे हमने ऐड किया एक पबजी फॉन्ट लोगो जो PNG में है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहाँ पर आपको मिलेगा। इसे आप सिंपली इस तरह से ऐड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे सेलेक्ट करके नीचे वाला जो पार्ट है जो वाइट उसको एक्सट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड इसमें जाके एक्सट्रैक्ट। उसके बाद आपको चलना है सेलेक्ट पिक्सल में और जो भी ब्लैक दिख रहा है उसको क्लियर कर देना है। अब इसमें स्ट्रोक देना है तो यहाँ पर सिंपली हम फिल एंड स्ट्रोक में आके स्ट्रोक दे देंगे जो वाइट कलर का स्ट्रोक रहेगा। तो देख सकते हैं इस तरह से आपको भी कर लेना है एंड यहाँ पे हम रखेंगे 2px। अब इसका ऑपेसिटी जो होता है वो आपको कम कर देना है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, हम आगे चल के करेंगे। अभी आपको बस बताने के लिए ये दिखा रहा हूँ कि इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर सेलेक्ट पिक्सल करके इन्वर्स करके और यहाँ पर हमें ग्लो वाला इफ़ेक्ट अप्लाई कर देना है। तो जैसे ही ग्लो करेंगे तो यहाँ पे रेड कलर ऑटोमेटिकली इसमें ऐड है पहले से, वो ऐड रहेगा जो भी कलर आप यूज़ किए रहेंगे, ठीक है। हिस्ट्री जो कलर यूज़ होता है वो ऑटोमेटिकली ऐड कर लेता है। अब इसको हम 21 पे रखेंगे एंड उसमें जो थोड़ा थोड़ा रेड वाला जो ग्लो है वो आ चुका है, तो देख सकते हैं आप। जैसे जूम करेंगे ना तब आपको समझ में आएगा, आप जब एडिट कर रहे होंगे तो यहाँ से ये हो चुका है। अब नीचे में क्या था, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें ग्लो हो गया था, जैसे हमें कैरेक्टर में करना नहीं था नीचे से और वो एक्स्ट्रा हो गया था, तो थोड़ा सा ऊपर करके कट कर देंगे इसको। ट्रांसफॉर्म में जाके इसको नीचे करेंगे थोड़ा सा, उसको फिर से सेट कर लेंगे, ठीक है। अब ये हो चुका है डन। अब गाइज अब हमारा ये सारा काम हो चुका है तो हम क्या करेंगे, सबको मर्ज कर देंगे एक साथ और इसको कर लेंगे सेव। तो चलिए हम इसे सेव करने के बाद अब हम आएंगे पिक्सल लैब में एंड पिक्सल लैब में आपको यूट्यूब थंबनेल सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो अभी हमने एडिट किया था वहाँ पे फोटोशॉप टच में वो फ़ोटो आपको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद इसका ह्यू है थोड़ा सा हम कम करेंगे और सैचुरेशन भी कम करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा ही मतलब लाइट आ रहा था रेड कलर और दिखने में मतलब हमें अच्छा नहीं लग रहा था। ये कलर सूटेबल है चलेगा। तो कम्प्लीटली ये हो चुका है एक थंबनेल मेरा रेडी। अब इसमें मेरा काम है एक अच्छा सा टाइटल ऐड करना, तो चलिए हम ऐड करते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं गेमिंग। सो अब हम इसका फॉन्ट अप्लाई कर देते हैं कोई अच्छा सा। तो ये हो चुका है, फॉन्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो इस तरह से करने के बाद थोड़ा सा इसका साइज़ हम बढ़ा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे थंबनेल। तो हम थंबनेल बना रहे हैं तो थंबनेल लिख रहे हैं, आपको जो लिखना है वो लिख सकते हैं। और ध्यान रहे बस फर्स्ट लेटर इसका कैपिटल रहेगा, बाकी सब स्मॉल रहेगा दोनों में, गेमिंग और थंबनेल दोनों में। तो देख सकते हैं इस तरह से आपको कर लेना है। तो हमने राइट साइड की ओर रखा है अभी, तो ये थोड़ा सा मतलब मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है राइट साइड की तरफ, क्योंकि इधर भी रेड है पहले से। तो हम इसे फिर
लेफ्ट करते हैं। अब यहाँ पे अच्छे तरीके से हम इसे सेट कर देते हैं। तो देख सकते हैं इसको मैचिंग मैचिंग हो चुका है। ऊपर से गेमिंग जिसके जी है, जिसका लास्ट लेटर वो टी से मैच कर रहा है, तो बहुत ही कमाल का लगेगा। मतलब जो भी फॉन्ट हम यूज किए हैं इसमें, आप जैसा चाहे वैसा फॉन्ट यूज कर सकते हैं इसमें। तो अब हम इसे सेव कर लेंगे PNG फॉर्मेट में, एंड फिर से हम PS टच में इसे ओपन करेंगे जो हमारा थंबनेल था। अब जो हमने गेमिंग थंबनेल वाला जो टेक्स्ट रखा था उसे ऐड कर लेंगे। सो सिंपली यहाँ से ऐड हो चुका है। अब थोड़ा इधर उधर करके देखते हैं कि कहाँ पे, तो जहाँ पे मैंने पिक्सल लैब में सेटअप किया था वही जगह इसमें भी सही दिख रहा है। तो चलो अब हम इसमें पिक्सल को सिलेक्ट करते हैं। तो सिलेक्ट पिक्सल पे आपको क्लिक करना है एंड इसे इन्वर्स कर देना है। इन्वर्स करने के बाद ग्लो वाले में जाना है, ग्लो वाला फिल्टर है उसमें, एंड इसमें आपको अराउंड 50% 40 या 50 के बीच में रखना है, कहीं पे भी आप रख सकते हो। तो ये हो चुका है, एंड फिर से आपको पिक्सल को सिलेक्ट करके इसमें ग्रेडियंट वाला कलर दे देना है। तो हमने यहाँ पे वाइट और हल्का हल्का ब्लैक, ग्रे, मैट ब्लैक का यूज किया हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से आपको भी कर लेना है। ये ग्रेडियंट वाला जब आप कलर डालते हो तो मैचिंग हो जाना चाहिए आपके थंबनेल से, तो ये ध्यान में रखिएगा। सो ये हो चुका है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि हमारी और आने वाली वीडियो भी आप लोग देख सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो इसको सेव करना बहुत ही ईजी है, आप इसे सिंपली बैक करके इसको सेव करेंगे, एंड यहाँ पे शेयर वाला बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है, एंड सेव टू गैलरी पर क्लिक करके आपको JPG में सेव कर लेना है।